पेंसिल गुजरारो रखें। सामने है बुआ जी दूध निकाल रही है और बच्चा भी दूध पी रहा है। और बार बार लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि शायद बुआ जी जो बोलती है वो ऐसे ही बोल रही है, कांकरेज नस्ल इतना दूध नहीं देती है, बुआ जी के पास कांकरेज नस्ल की गाय नहीं है। तो खुद आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, और खुद बुआ जी इस धाम में हमारे को लेके आई है। इस धाम में 350 से ऊपर गायें हैं और आज वो खुद दूध निकाल के बता रही है कि मुझे गायों से कितना प्रेम है, बल्कि कांकरेज नस्ल की जो गाय होती है वो हर किसी को दूध नहीं देती है मालिक के अलावा, लेकिन बुआजी को तो इतना नॉलेज है एक एक नस का, वो गाय को देख के बता सकती है कि इस गाय में क्या बीमारी है, कौन सी समस्या है, कितना दूध देगी, कितने बार ब्याह गई, इतना नॉलेज है। लेकिन फिर भी लोग उनकी बात को सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार खुद आके आप मिलिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि बुआ जी में कितना नॉलेज है। मैं 4-5 साल से, शायद 7-8 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, देसी नुस्खे उनको बहुत तगड़े हैं, उनके नुस्खे गायों का नॉलेज ज़बरदस्त है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और सिर्फ भी ज़्यादा दूध नहीं निकालेंगे, 2 थनों का दूध वो निकालेंगे और 2 थनों का बछड़ी को छोड़ देंगे, इसके नीचे बछड़ी है, और 16-17 लीटर दूध बताया था बुआ जी ने। और आपके सामने देख लीजिए, वो 10 दिन की ब्याही हुई है और आपके सामने वो दूध निकाल के बताई है, और फिर भी लोग सोचेंगे 10 दिन की नहीं है, तो बछड़ा तो देख सकते हैं, बछड़ा कितने दिन का है वो तो आपको खुद मालूम चल जाएगा, 15 दिन का है, 20 दिन का है। जो एक HF गाय है वो भी 5-10 दिन में इतना दूध नहीं देती है, उससे ज़्यादा दूध ये HF गाय से ज़्यादा, ये बचपन से इसके बछड़े को या बछड़ी को आप पालते हैं तो बहुत ही वफादार गाय बनती है, यानी आपकी रक्षा भी करेगी और सेवा और मेवा दोनों चीज़ आपको ये गाय देगी। और विषम परिस्थितियों में रहने वाली गाय है, अकाल में रह सकती है, कम पानी में रह सकती है, 3 दिन बिना पानी पिए रह सकती है, कम चारे में रह सकती है, अधिक टेम्परेचर में ये गाय रह सकती है, और जंगल में रहना पसंद करती है, कई प्रकार की जड़ी बूटी खाती है, इसलिए इसका दूध एक ही अमृत माना गया है। और इसका दूध पीने से दिमाग की कंप्यूटर की तरह हो जाता है। देखिए वाजी दूध निकाल रही है। बाकी आपकी गाय, आपकी क्या राय है बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुझाव दीजिए इस अद्भुत प्रेम को। अपनी माँ के पास ही जाएगा ये, सीधा अपनी माँ के पास जाएगा। और ये तो मैं कहता हूँ, ये इसमें दिमाग होता है कंप्यूटर की तरह, हजारों गायों में सीधा बच्चा अपनी माँ के पास जाएगा, उसको पता है कि मेरी माँ उधर है, बल्कि और कोई बच्चा होगा HF का तो कई गायों को ऐसे उनके थनों को टच करते हुए निकलेगा। तो तभी तो कहते हैं कि ये गाय बहुत ही समझदार वफादार होती है। दो उसके बाछड़ी देख लो, छोटी बाछड़ी 13 दिन की बाछड़ी है उसकी, 13 दिन की बाछड़ी है, 2 थन का दूध है। तो गृहस्थी थोड़ी है, गाय पेशना थोड़ी है, जो सामने रख देंगे अंतु ही रखेंगे, ये तो आश्रम है। सही बात है, श्री पति धाम में दोनों टेप दुआरी होती है, झूठ बोलने से भी क्या मिलेगा। अरे क्या तुम खाने के लिए तोड़ देंगे श्रीपति धाम वाले को, तो